हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं ना। लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी लर्न पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड सम एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम और तीन एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इसमें से उसका फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उस कंडीशन पे आईओसी कैसे कैलकुलेट होगा। एक रूल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 11th क्लास में निकाल चुके हैं। फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हुआ क्यों, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। सपोज किसी पार्टनर के पास इनिशियली 2 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए थे और ड्यूरिंग द ईयर उसने 50,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिए। तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 2,50,000। उसको बीच में ज़रूरत पड़ी, उसने 25,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, नाउ दैट इज़ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स माइनस करने के बाद उसकी कैपिटल कम हो गई कितनी, 2,25,000। ईयर एंड के अंदर उसका प्रॉफिट शेयर कितना रहा, 30,000। उसकी कैपिटल फिर बढ़ गई, अब कैपिटल कितनी हो गई, 2,55,000। तो ईयर स्टार्टिंग जिस अमाउंट से उसने किया था वो तो हमारा होता है ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, और लास्ट के अंदर जो अमाउंट हमारे पास बचा 2,55,000 वो हमारी कौन सी होती है, क्लोजिंग कैपिटल। हमने किया क्या था कि ओपनिंग कैपिटल जो थी उसमें हमने उन आइटम्स को ऐड किया, उन इवेंट्स को ऐड किया जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ती है, जैसे एडिशनल कैपिटल एंड प्रॉफिट, और उन आइटम्स को माइनस किया जिसकी वजह से कैपिटल कम होती है, जैसे ड्राइंग्स और अगर लॉस होता तो लॉस। अब अगर आपको ये वाला अमाउंट गिवन है तो ऑब्वियसली आपको रास्ता उल्टा पकड़ना पड़ेगा। जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये जितने भी साइन हैं ये साइन सारे क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि जिन चीज़ों को आप ऐड करते थे हमें उन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और जिन चीज़ों को हम माइनस करते थे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है, तो उसी के साथ ये फॉर्मूला बनता है कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस प्रॉफिट। लेट्स डू एग्जाम्पल ऑन दैट। इलस्ट्रेशन नंबर 15। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स विद द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग गिवन है 4 लाख एंड 2 लाख। ड्राइंग्स आर 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन जनवरी 1st क्यू इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹80,000। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ, 70,000 का। आईओसी चार्ज होगा 12% पर एनम से। हमें क्या निकालना है, आईओसी का अमाउंट निकालना है। तो उससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे चार्ज होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, 31 मार्च गिवन है तो इसका मतलब है क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हमें पहले क्या निकालनी होगी, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनाया पी एंड क्यू का, कौन सी कैपिटल गिवन थी क्लोजिंग, 4 लाख एंड 2 लाख। ड्राइंग्स हमने क्या कर दिया, ऐड। क्यों, क्योंकि ओपनिंग में हम क्या करते थे, माइनस, यहाँ ऐड कर दिया 50,000 एंड 40,000। कितना हो गया, 4,50,000 एंड 2,40,000। एडिशनल कैपिटल क्यू ने इंट्रोड्यूस की थी तो उस टाइम पे हमने ऐड किया था, तब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो 80,000 हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। इसकी कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, लेकिन इसकी कैपिटल हो गई 1,60,000। फर्म को प्रॉफिट हुआ था 70,000 का, तो 70,000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2। पी एंड एल रेशो गिवन था, 70,000 को हमने 3:2 में डिवाइड किया तो अमाउंट क्या आया, 42,000 एंड 22,000। ठीक है, ये देखिए 70,000 इंटू 3/5 एंड इसका 70,000 इंटू 2/5, तो ये तो हो गया 42,000 और ये हो गया 28,000। तो ओपनिंग कैपिटल पी की तो कितनी है, 4,08,000, और क्यू की कितनी है, 1,32,000 निकल गई ओपनिंग कैपिटल। अब जैसे आईओसी निकालते हैं वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। पी का आईओसी, उसने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई तो उनकी कैपिटल कितनी थी, 4,08,000 पे पूरे साल का लग जाएगा 12%, कितना आ गया, 48,960। ठीक है, ऐसे ही क्यू की जब हमने बात की तो क्यू की ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली 1,32,000, मतलब जब साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को तो कैपिटल कितनी थी, 1,32,000, लेकिन 1 जैन को उसने 80,000 और लगा दिए। तो 1 अप्रैल से 1 जैन तक
तो अमाउंट कितना था? 1,32,000 का अमाउंट था, तो मैंने 9 मंथ्स का लगा दिया, कितना अमाउंट आ गया? 11,880। फिर फर्स्ट जैन को 80,000 और लग गए, तो कैपिटल कितना हो गया? 2,12,000। कैसा है 2,12,000? 1,32,000 तो ऑलरेडी थे ही हमारे पास, प्लस 80,000 रुपीज़ और लग गए, तो टोटल आ गया 2,12,000। अमाउंट कितना हो गया? 2,12,000 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स कैसे? 1 जैन टू 31 मार्च। अमाउंट कितना आ गया? 6,360। टोटल क्यू का IOC कितना आया? 11,240। तो ये हमारा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवेन। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन रीड करोगे तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान से पढ़ना, या तो कोई परसेंटेज या तो कोई डेट। सबसे ज़्यादा गड़बड़ अगर क्वेश्चन में होती है तो वहीं होती है, हम डेट्स ध्यान नहीं देते, हम परसेंटेज ठीक से नहीं देखते। तो हमेशा डेट मेंशन करनी है। अगर डेट 31 मार्च है तो फर्स्ट वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, देन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है पार्टनर्स कमीशन। अगर पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करके देता है फर्म को, कि उसकी वजह से हमें सपोज़ कोई प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, सेल ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम लोग उन्हें उनके प्रॉफिट की जगह या प्रॉफिट से के अलावा उसके अलावा हम और भी अमाउंट देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कमीशन। कमीशन देने की अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। ये भी हमारे 11th में आया था, मैनेजर्स कमीशन। सेम वही पॉइंट है कि हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, बट पॉइंट ये है कि परसेंटेज क्या गिवन है। तो परसेंटेज के आगे की लैंग्वेज हमें देखनी होती है। जैसे आपको दो कंडीशंस गिवन होती है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशंस और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस। आपसे क्या बोलेगा कि जो भी परसेंटेज है, सपोज 10% है, तो 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब आप प्रॉफिट का 10% दो, बिफोर मतलब ऑब्वियसली पहले, चार्जिंग मतलब माइनस करने से पहले, तो माइनस करने से पहले ही होता है प्रॉफिट। तो हम निकाल देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। जैसे अगर 2 लाख का प्रॉफिट है तो 2,00,000 × 10/100। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग दे दिया, आफ्टर चार्जिंग मतलब माइनस करने के बाद, क्या माइनस करने का? कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर कमीशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तब तो माइनस हो जाती है। अगर कमीशन की वैल्यू गिवन नहीं है तो फॉर्मूला क्या बनता है? रेट अपॉन 100 + रेट। ठीक है, जैसे 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस, तो प्रॉफिट का 10% देना है, कमीशन भी माइनस करने के बाद, तो कमीशन तो है ही नहीं, तो कमीशन नहीं है इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 27। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल है 1,60,000 एंड 1,20,000। IOC है हमारा 5%, ठीक है। कमीशन टू एक्स, एक्स को कमीशन दे रहे हैं, ध्यान से पढ़ना, 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? जो हमें पार्टनर्स को देना है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर दो जो हैं पार्टनर्स के, जो P&L अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को देते हो, वो प्रॉफिट निकालो, उसका 10% देना है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके कमीशन को माइनस करने से पहले। मतलब प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस होंगे बट कमीशन माइनस नहीं होगा, सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे बट कमीशन माइनस नहीं होगा, ठीक है। वाई के लिए क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग जो जो दे रखा है उन सबको माइनस करना होता है, कि वो माइनस करने के बाद आएगा। वाई का क्या है? 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका 10% देना है, लेकिन सारे कमीशंस माइनस करने के बाद। प्रॉफिट कितना है? 2,12,000। चलो निकालते हैं। हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,12,000 का। IOC है हमारा कितना परसेंट था? IOC 1,60,000 और 1,20,000 हमारी कैपिटल है, और 5% हमारा IOC है, तो IOC कितना हो गया? 8,000 और 6,000। टोटल IOC हमारा हुआ 14,000, ठीक है। अब आ जाओ कमीशन पे। तो एक्स के कमीशन में क्या था? 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट था उसमें से खर्चे माइनस करो, तो खर्चे हमारे पास सिर्फ कितना है? IOC है, तो हमने IOC माइनस कर दिया। 2,12,000 में से हमने 14,000 माइनस किया,
तो कितना जो अवेलेबल खर्चे थे वो माइनस कर दिए, कितना अमाउंट आया 1,98,000। ठीक है, तो 1,98,000 का 10% ले लिया 19,800, 19,800 बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन माइनस नहीं किया, तो हमने प्रॉफिट में से सिर्फ क्या माइनस किया है, आईओसी माइनस किया है। क्वेश्चन यही कहा था ना बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, तो कमीशन माइनस किया ही नहीं हमने, सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस किया, ये माइनस किया था। फिर आए वाई पे, तो वाई पे क्या था, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, कि जो प्रॉफिट है वही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है उसमें से सारे कमीशन माइनस करना है। तो 212,000 में से 14,000 माइनस किया था, अगेन वही 1,98,000 का प्रॉफिट आया था। सारे कमीशन मतलब हमारे पास तो सिर्फ एक्स का कमीशन अवेलेबल है, वाई का तो कमीशन ही नहीं है, तो जो है वो तो माइनस करो। तो जो अवेलेबल थे हमने उनको माइनस कर दिया, वाई का था नहीं इसलिए हमने क्या किया, जो माइनस करने के बाद डिजिट आई कितनी आई, जब 212,000 में से 14,000 और 19,800 माइनस किए तो अमाउंट आपका कितना आया, 1,78,200 इंटू 10/110। ये 110 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास वाई का कमीशन नहीं था। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया, 16,200। तो टू कमीशन, एक्स का कमीशन कितना आया 19,800 और वाई का कमीशन कितना आया 16,200, टोटल कमीशन कितना आ गया 36,000। ठीक है, तो 212,000 में से हमने 14,000 ये माइनस किए, 36,000 कमीशन के माइनस किए, तो पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट देना है, 1,62,000। पी एंड एल रेशो कुछ दे नहीं रखा, कुछ दे नहीं रखा तो इक्वल बांटते, तो हमने 1,62,000 को इक्वली बांट दिया, 81,000 and 81,000। तो अगर आपको आफ्टर चार्जिंग दे रखा है कोई भी कमीशन के लिए, और अगर आपके पास कमीशन की वैल्यू नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लग जाता है, 10/110। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे आज का लास्ट टॉपिक, ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ट्रांजेक्शन एज एप्रोप्रिएशन पढ़ा हुआ है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कि वो चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी ही पड़ेगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो। ये आइटम्स कहाँ चार्ज होते हैं, पी एंड एल में। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में से आप सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस करते हो, क्योंकि वो तो माइनस करना कंपलसरी है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो। जो प्रॉफिट आता है वो हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, या तो हम वर्किंग नोट में उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे वो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 32। एबीसी पार्टनर से 2,00,000, 1,50,000 और 1,00,000 की कैपिटल के साथ उनका पी एंड एल रेशो क्या है। उन्होंने बोला कि फर्स्ट 36,000 जो है वो तो हम कैपिटल रेशो में बांटेंगे, कैपिटल मतलब इस रेशो में, और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बच गया, तो उसको हम लोग इक्वल बांट लेंगे। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए ने फर्म को 50,000 का लोन दिया है। ए ने लोन दिया है किसको, फर्म को, कितने का, 50,000 का। आईओसी है 5%, आईओडी है 3%, ड्राइंग्स कितनी है, 20,000 ईच पार्टनर। बी को रेंट भी देना है 1,000 रुपये पर मंथ, इसका मतलब बी ने कोई प्रॉपर्टी दे रखी होगी फर्म को यूज लेने के लिए, तो उसके ऊपर उसे क्या मिलेगा, 1,000 का पर मंथ रेंट मिलेगा। इसके अलावा सी को हम कमीशन देंगे 5% और नेट प्रॉफिट, जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसका 5% हम सी को कमीशन देंगे। प्रॉफिट हमें गिवन है 99,000, करंट अकाउंट का बैलेंस था 5,000, 4,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली, 5,000, 4,000 तो क्रेडिट बैलेंस है और 3,000 डेबिट बैलेंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, वी नीड टू प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो नॉर्मली ये जो 99,000 का प्रॉफिट है वो हम यहाँ लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट 99,000, बट अभी नहीं लिख सकते क्योंकि ये 99,000 पार्टनर्स का नहीं है। इसमें से पहले हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, कंपनी के ट्रांजेक्शन्स जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो कंपलसरी है। ठीक है, तो कंपलसरी हमें दो आइटम्स दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है, एक तो रेंट,
एक तो हमें रेंट हटाना पड़ेगा, और एक जो फर्म को लोन दिया था ए ने उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या है डीड का प्रोविजन, इसमें परसेंटेज गिवन नहीं है लेकिन लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना तो ज़रूरी है, कितने परसेंट से, अगर परसेंटेज गिवन ना हो तो 6% पर एनम, बोला था ना इन द एब्सेंस ऑफ डीड अगर आपको परसेंटेज गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे 6% पर एनम से इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट है मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पी एंड एल अकाउंट अलग से बना लूँ, अगर नहीं बनाना तो मैं यही शो कर दूंगी मैंने 99,000 का उस वक्त प्रॉफिट मुझे गिवन है, मैंने 12,000 का रेंट हटाया, 1,000 पर मंथ था तो पूरे साल का कितना हुआ 12,000, और 3,000 का इंटरेस्ट, 50,000 का लोन है उसका 6%, टोटल कितने हो गए 15,000, तो 99,000 में से 15,000 मैंने माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों आइटम थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे, कंपलसरी एक्सपेंसेस था जो हमें पे करना ज़रूरी है, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट हम पार्टनर को देंगे, तो पार्टनर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचा 84,000, तो पार्टनर्स के लिए नेट प्रॉफिट कितना है 84,000 है। यहाँ पे हमेशा कौन सी चीज़ आती है जो पार्टनर के लिए अवेलेबल है, ये तो 99,000 का प्रॉफिट था बिफोर दीज एडजस्टमेंट, तो पहले हमने ये एडजस्टमेंट किए 99 में से, हमने कंपनी कंपनी का खर्चा हटाया, फर्म का खर्चा था 12,000 का तो रेंट एंड 3,000 का इंटरेस्ट दोनों हटाए तो हमारे पास 84,000 बचे जो कि किसके लिए हैं पार्टनर्स के लिए, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट कितना आएगा 84,000 ना कि 99,000, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, अब तो सिंपल है, इंटरेस्ट हमने दे दिया आईओसी 5%, तो आईओसी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% किसका 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, तो कितना आ गया 2 लाख का 5% 10,000, देन 1.5 लाख का 5% 7,500, और 1 लाख का 5% 5,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 22,500, ठीक है। फिर क्या दे रखा था आईओडी 3% किसका 20,000 ईच, तो 20,000 का 3% ले लिया, तो बाय आईओडी ए का भी 600, बी का भी 600 और सी का भी 600, टोटल आईओडी कितना हो गया 1,800। और क्या दे रखा है, ड्राइंग्स इसमें आती नहीं है, ये हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया, सी का कमीशन था 5% ऑन नेट प्रॉफिट, तो 5% किसका लेंगे 99,000 का, नहीं प्रॉफिट कितना था फर्म को कितना मिला 84,000, तो 84,000 का 5% जो नया प्रॉफिट हमने निकाला है कितना आ गया 4,200, ठीक है। हमने रेंट इसमें क्यों नहीं लिखा, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आते, वो सिर्फ या तो यहाँ पे माइनस होते हैं या तो पी एंड एल अकाउंट में आते हैं। प्रॉफिट कितना बचा 84,000 प्लस 1,800 कितना आ गया 85,800, उसमें से हमने 22,500 तो आईओसी माइनस किया और 4,200 कमीशन माइनस किया, कितना अमाउंट बचा 59,100, ये प्रॉफिट हमें बांटना है। प्रॉफिट की भी कंडीशन रखी थी इन्होंने, क्या कहा था कि फर्स्ट 36,000 जो है वो तो कैपिटल रेशो में बांटेंगे और जो बचा उसको इक्वल बांट देंगे, तो प्रॉफिट कैसे बांटा है वो देखो, सबसे पहले बोला कि जो फर्स्ट 36,000 है वो कैपिटल रेशो में, तो कैपिटल कितनी थी इनकी 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, रेशो निकाला 4:3:2, तो 36,000 को तो हमने 4, 3 और 2 में बांट दिया, रिमेनिंग कितना बचा 59,100 था, 36 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो बचा कितना 23,100, उसको हमने इक्वल बांट दिया 7,700 ईच, ए का कितना हो गया 23,700, बी का कितना हो गया 19,700 और सी का कितना हो गया 15,700, और ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और इसी के साथ हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया खत्म। और क्या बनाना था इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैसे पता लगा क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी ओपनिंग कैपिटल आएगी बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, ना तो कोई एडिशनल कैपिटल लगा ना कोई परमानेंट विड्रॉल हुआ, तो वही हमारा क्या हो गया बैलेंस सीडी, बाकी सारे ट्रांजेक्शन कहाँ आएंगे करंट अकाउंट में, तो बाय बैलेंस बीडी ए इसका क्या कहते हैं इसे ए और बी का तो हमें दे रखा था क्रेडिट बैलेंस, तो 5,000 एंड 4,000 क्रेडिट में लिख दिया, और सी का हमें गिवन था डेबिट बैलेंस तो सी के हमने डेबिट में लिख दिया 2 बैलेंस BD 3,000, और क्या क्या गिवन है आईओसी बाय आईओसी 10,000, 7,500 एंड 5,000, रेंट यहाँ तो आएगी कि बी के लिए इनकम है तो बी को कॉलम में लिख दिया 12,000, बाय कमीशन, कमीशन किसको दे रहे थे सी को
4200 P&L appropriation, सभी सारी यहाँ से चीज़ें उठाई और ये सारे के सारे जो हमारे एडजस्टमेंट थे हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, करंट अकाउंट में। P&L appropriation से प्रॉफिट उतारा ये 23700, 19700 एंड 15700। ड्राइंग्स हमें गिवन थी 20,000 ईच, IOD हमने निकाला था 600 ईच। सारे ट्रांजेक्शन्स ख़त्म, टिक कर करके हमें सॉल्व करना है, बचा क्या, टू बैलेंस CD। क्या किया, यहाँ का टोटल किया और उसमें से इनको माइनस कर दिया, 18100, 22600 एंड 1300 एंड दैट्स इट। इसी के साथ हमारा सवाल क्या हो गया, ख़त्म। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हमने पढ़े। क्या क्या टॉपिक पढ़े हमने अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन, पार्टनर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस, एंड अगर हमें कोई ट्रांजेक्शंस गिवन हो किसके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के, तो उस कंडीशन में या तो हम लोग जो प्रॉफिट गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे या फिर हम लोग सेपरेटली P&L अकाउंट बना करके फिर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इनसे जुड़े हुए इलस्ट्रेशंस मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ एंड प्रॉब्लम्स हम लोग हमारी लाइव सेशन में सॉल्व करते हैं, तो जो भी डाउट हो वो उसमें बता दीजिएगा। थैंक यू।